महाराष्ट्र में मचे बड़े सियासी घमासान के बीच पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार को एकनाथ शिंदे की याद एक बार फिर से आ गई है। हालांकि अजीत पवार ने शिंदे को याद किया है कटाक्ष करने के लिए। अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे को याद करते हुए हमला बोला है और कहा है, आखिर दो लोग कितने दिनों तक सरकार चलाएंगे? 25 दिन बाद भी नई सरकार के मंत्रियों का कोई अता पता नहीं है। लोग धीरे धीरे इस पूरे मामले से तंग आ चुके हैं। राज्य का पूरा कामकाज ठप है। मंत्री बनने की आस लगाए बैठे ज्यादातर विधायक अपने मतदान क्षेत्र में हैं। वो शपथ ग्रहण समारोह के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। विरोधी पक्ष के नेता अजीत पवार ने बड़ा बयान देते हुए एकनाथ शिंदे से सवाल किया है, 5-5 बार दिल्ली का चक्कर लगाकर आ गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो नई राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भी हो गया है, पर महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हो पा रहा है। अजीत पवार का कहना है, शिंदे हमारी सरकार में हमारे साथ काम कर चुके हैं, इसके बावजूद आघाड़ी सरकार के कार्यों पर रोक लगा रहे हैं। शिंदे फडणवीस को लगता है हम ही सरकार चला सकते हैं। सरकार में पालक मंत्रियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। पालक मंत्री आपदा प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति की समीक्षा करते हैं। ये सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करने के बजाय केवल हमारी सरकार के कार्यों को स्टेट दुने में जुटी है। सरकारें आती जाती रहेंगी, ये भी जाएंगी। अजीत पवार ने एक बार फिर से मजबूत विपक्ष की आवाज बनते हुए कोशिश पूरी तरह से की शिंदे फडणवीस पर सवाल उठाने की। अब देखना होगा पवार के आरोपों का क्या जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।